है कि सपने टूटे हैं, हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहाँ पे मुश्किलें में शर्मिंदा हैं। हम किसान के बेटे हैं, ये गर्मी सर्दी ठंड बारिश ये धूप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ज़मीन से जुड़े आदमी हैं ना, फसल कैसे उगती है ये देख देख के। तो हमारा ये नेचुरल चीज़ें हमारी, तो ये मिट्टी है हमारी, हमारे शरीर में बसी हुई है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती प्राकृतिक चीज़ें। हम यहाँ पर डटे रहेंगे जी। लड़ रही है तो फिर ये लाशें क्यों तैर रही हैं? ये ज़िंदगी में पहली बार आपने देखा होगा ऐसा कि लाशें तैर रही हैं उसी गंगा में जिसके नाम पे वोट मांगते हैं, गंगा की आरतियाँ उतारते हैं। ये शर्म की बात नहीं है? इनका एक मिनिस्टर है वी के सिंह, आपने सुना होगा ना, उन्होंने ट्वीट करके मतलब सोशल मीडिया पर उन्हें हेल्प मांगी है। आप मिनिस्टर हो, आपकी जवाबदेही बनते हैं ना, आपने क्या किया? तो बात क्या है कि ये काम की बात नहीं करते, ये बकवास करते रहते हैं। आप क्रोनोलॉजी देख लो, पिछले साल नया तो आया नहीं है कोरोना, डेढ़ साल से। पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लागू हुआ था 23-24 तारीख के आसपास, उसके दौरान आप देख लो क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, थाली बजवाई ताली बजवाई। एक इनके मिनिस्टर हैं रामदास अठावले जी, इनके साथ हैं वो, उन्होंने गाना ही बना दिया उसका, गोरो कोरोना गो। उसके बाद देख लो क्या क्या नहीं बोला। बाबा जी आए, बाबा धंधा देव जी, उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने मेडिसिन पहले एक साल, अगर मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर किसी दूसरे देश में होते तो उनको फांसी की सजा होनी थी, फांसी की सजा नहीं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बेवकूफ़ बना दिया सबसे आके, पहले आके बोल दिया कि मैंने मेडिसिन बना दी, दवाई बना दी है, तो फिर कहाँ वो लागू करो ना, यूज करें ना उसका। तो ये सब काम की बात होनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेकार है पब्लिक को, ये टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं है जी। अभी जो टोहाना में जो घटना हुई है, किसानों को पकड़ा गया और फिर वहाँ पर किसान नेता भी थाने में जाके धरना दे रहे हैं, उसे आप कैसे देख रहे हो? मैं कैसे देख रहा हूँ, सरकार से पूछो आप कैसे देख रहे हो। हमने तो अपने आप को सौंप दिया है कि हम तो सब के सब जेलों में जाना चाहते हैं। वहाँ टिकैत साहब बैठे हैं, चुड़ूनी बैठे हैं, सब पूरा जो किसान मोर्चा की टीम वहाँ बैठी है, पूरे देश हरियाणा के और देश विदेश देश के किसान बैठे हैं वहाँ पे। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे किसानों को छोड़ा जाए ना, छोड़ोगे तो हमें भी अंदर डाल दो। हम तो देखना चाहते हैं आपकी जेलें कितनी बड़ी हैं, कितने लोगों को आप अंदर कर सकते हो। देश की जेलों में 4 लाख कैदी हैं, वो भी ओवर क्राउडेड हैं, 4 लाख आदमी मतलब इनके काबू में आ रहे, तो ये इतने लोगों को कैसे काबू में करेंगे। देखिए, हमें किसी से जेल में जाने का मतलब नहीं, ना किसी से झगड़ा करने का मतलब है, ना कोई प्रोटेस्ट का शौक है। सड़कों पर सोने का किसी को शौक है क्या? मजा आता है क्या? 6 महीने से सो रहे हैं, हमारी बातें मान लो ना, ज़बरदस्ती पास कर रहे हो। दुनिया का पैसा ऐसा पहला आंदोलन होगा, पहला दूसरे से कह रहा है कि मैं तेरा भला करना चाहता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं नहीं करवाना चाहता। ज़बरदस्ती है क्या? बोल ले कि MSP था है रहेगा तो लिख दो ना, या डिबेट कर लो। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी मिनिस्टर जी गवर्नमेंट का या कोई भी नुमाइंदा मेरे साथ डिबेट कर लो। घमंड नहीं है लेकिन अपनी एजुकेशन में विश्वास है, क्योंकि तो भगत सिंह ने कहा था कि लेबर इज़ द रियल सस्टेनर ऑफ द सोसाइटी। जो लेबर के साथ हो रहा है, जो ये फार्मर लेबर है आज, ये सामंतवाद है, फ्यूडलिज्म है एक अलग तरीके से। आप गाँव में जाओगे तो 90% ऐसे किसान हैं जो रेंट पर खेती लेके कर रहे हैं। तो फ्यूडलिज्म नहीं तो क्या है, सामंतवाद नहीं तो क्या है? तो आज वो सब खत्म होने जा रहे हैं, कम से कम वो रोटी खा रहा था, कम से कम वो रोटी भी खत्म हो जाएगी, ज़मीनें भी करी। अब तो अगर पास कर रहे हो तो हमारी बात तो सुन लो, हमारा सेलेटेड कानून बना रहे हो, हमसे बात नहीं कर रहे, ये कौन सा कानून है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? उसके बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आतंकवादी बोल रहे हो, खालिस्तानी बोल रहे हो, एक राज्य का आंदोलन दो का आंदोलन है। तो ये हटने वाली बात नहीं, बार बार बोल रहा हूँ कि सरकार लाइन पर आ जाए, नहीं आएगी तो हम ले आएंगे। 2 वैक्सीन तो लगा दिए हैं, यूपी पंचायत चुनाव में एक, बंगाल में 2 वैक्सीन और लगा देंगे इनको, यूपी चुनाव में 24 में तो हटाना ही है, 3 साल तक बैठे रहेंगे, जाने वाली बात नहीं है जी। बैठना वो कोई समाधान है क्या? आप बताओ मुझे, आपके आपकी रोजी रोटी पे अटैक हो रहा है, वो खत्म होने जा रही है। आपके बेटा बेटी अपने घर वाले कम से कम रोटी खा रहे थे, वो आपकी खत्म होने जा रही है, तो आप क्या नहीं करोगे? मरता क्या ना करता? हमारे पास कोई ऑप्शन बचा है तो बता दो आप। मैं युवा हूँ, आप देख सकते हो इस हट में कितने युवा बैठे हैं, सबका काम है रोजगार का, मतलब नौकरी करने का टाइम है, 20 से 25 साल के बीच में एज है सबकी, सड़कों में बैठे हैं। ये अकेले किसान की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये जन आंदोलन बोल रहे हैं किसानों पे। ये मतलब बोला गया है, इन जो भोले भाले किसानों को बहकाया गया है, सरकार के लिए लगातार मतलब कि बहकाया गया है, और
ये नकली किसानों द्वारा बहकाए गए हैं, जो कि भोले वाले किसान। किसने बहकाया बता दो, फिर बता दो, किसने बहकाया है और किसने बकाया तो आप समझा दो, फिर आप ज्ञान दे दो, आपके पास तो ज्ञान ही हो, आप समझा दो ना क्या बात है। और नकली किसान असली किसान है तो फिर हटाते क्यों नहीं आप? आप में दम है, किसी के बाप में दम है तो हटा लो ना, कौन मना कर रहा है? ये बेकार है बात, मैं बोल रहा हूँ, काम की बात नहीं कर रही, ये डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को, काम की बात करेंगे मन की बात करने लग जाते हैं। अब देख लो क्या क्या हो रहा है, गोबर मूत्र से इलाज कर रहे हैं बाबा, मैं क्या बोलूँ उस बाबा जी के बारे में। देखिए एक एलोपैथी होती है, एक होता है होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी। बात क्या है कि जो दवाई बनती है एलोपैथी की, उस पेड़ पौधों से ही बनती है, लेकिन उसमें रिसर्च होती है, तथ्य, तर्क, सबूत और युक्ति होती है, प्रमाण होता है, और वो 30-40 साल तक मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रैक्टिकल होता है वो, तब जाके दवाई बनती है, रिसर्च की जाती है, प्रॉपर हाईली एजुकेटेड होते हैं, फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तब जाके एलोपैथी की दवाई बनती है। और ये बगैर रिसर्च के, बगैर किसी ट्रायल के दवाइयाँ बना रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है। जैसे डाइवर्सिटी है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कास्ट, कलर, क्रीड, भाषाएँ, पूरा देश मिलकर बना है, ऐसे ही ये जो एलोपैथी है, आयुर्वेदा है या यूनानी है, जितनी भी हैं युक्तियाँ हैं, ये सब को हमें ये सब चाहिए, ये सब से मन के मिल के दवाई बनती है। जिस तरह से मोदी जी देश नहीं है, उसी तरह आयुर्वेदा बाबा रामदेव नहीं है। अभी यूपी में जो उठा पटक चल रही है, यूपी चुनाव भी होने वाले हैं, क्या किसान यूपी चुनाव करेंगे? कोई ऑप्शन बचा गया? वो राजनीति होना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति का ही सवाल है। अगर यहाँ पे क्या है कि कानून वापस ले, उदाहरण के लिए आप मान लो कानून वापस ले लें उन्होंने, दूसरे तरीके से ले आएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, किसान के बेटे बेटियाँ नहीं हैं, ये शर्म की बात है, इसलिए कानून पास हो रहे हैं। हर साल जो मैं एक संस्था है USA की, उसका नाम भूल गया, वो संस्था हर साल जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा के MP उनको पैसे खिलाती है, एक प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है कि कैसे पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए। वो बैठे कौन हैं, इनके चापलूस बैठे हैं, राज्यसभा में कैसे बैठाए जाते हैं आपको पता होगा, आपको बैठाया कभी, मुझे बैठाया, मेरे माँ बाप को बैठाया, किसान को, जो इनकी चापलूसी करेगा पत्रकार होगा इनका, इनका मतलब किथन किन होगा, ये डियर होगा, उसको बैठाएंगे आप देख लो, रंजन गोगोई ताज़ा उदाहरण है जी। क्या अगर सरकार आपकी बात मान ले, कानून वापस ले, तो क्या 2022 में आप लोग फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? वो राजनीति का सवाल है, और अच्छी बात कर रहे हो, जो सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, 500 किसान मर चुके हैं, उसके बावजूद फिर उसको बना दें, कानून के लिए आप लोग बैठे हैं, किसान भी शहीद हुए हैं, अगर कानून वापस ले लेती है सरकार, तो क्या आप फिर से भाजपा को जिताएंगे? मैं तो नहीं जिताऊंगा, बाकी आप जनता से पूछ लेना। तो क्यों नहीं जिताएंगे? मेरा तो मन नहीं मान रहा, क्योंकि हिंदू खतरे में है, खतरे में है क्या आपको लगता है? ये जो कम्युनलाइजेशन होता है, जो सांप्रदायिकता फैल रही इस देश में, इसको कैसे काउंटर करोगे? काम के नाम पर राजनीति क्यों नहीं करें? इशू बेस्ड मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं करें आप? वाकई हिंदू खतरे में है क्या? तो बचा लो ना फिर। मोदी जी का धर्म क्या है? ये तो राइट विंग वाले हैं ना, RSS क्या है? रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, राइट विंग वाला है, और उससे ये ऑफशूट है ये BJP RSS का, तो ये तो कट्टर हिंदू हैं, इन्हीं की सरकार है, तो खतरे में कैसी है? और है तो बचा लो फिर, कर दो कार्रवाई उन 15-20 करोड़ मुस्लिम, उनका क्या करोगे? मार लो ना उनको, कर सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। बात क्या है कि कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसको यहाँ पे दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसा खतरे में है, ये साइकी में बैठा के रखना है गरीब आदमी के। परियार जी ने कहा था, द्रविड़ी मूवमेंट चलाया था जिन्होंने, सुना होगा आपने, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाया था, साउथ की राजनीति में, साउथ में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म होता है, उसमें बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा था कि जात और धर्म नाम की जो चीज़ है ना, इस देश के जो शातिर लोग हैं, उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई है, गरीब आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप देख लो,